आज सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एकादशी की भांति ही पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा व्रत आते हैं। एक माह में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है। यह दोनों तिथि 15 दिनों के अंतराल के बीच आती है। पूर्णिमा व्रत का हिंदू धर्म में बेहद ही खास महत्व होता है। यदि आप कोई शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं तो बिना किसी मुहूर्त के पूर्णिमा तिथि के दिन उस कार्य को कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आसमान में पूरा चांद दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पकर्ता, पालनहारी और संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे एक व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगे कि हे कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार से मुझसे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन्य धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक समय एक बड़ा योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घरों से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षण को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्म, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घरों की भिक्ष पतितों के अत्र के तुल्य होता है और जो पतितों का अत्र खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसीलिए पतित हो जाने का भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्व ज्ञानी है, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने का कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, सामर्थ्यवान है। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब बात कह और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करेगो तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए
बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब बात कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने की प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई, तब विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दया निधान, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने के, उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फलों को तोड़ लिया। और धनेश्वर ने सोचा, जो वरदान से फल मिला है वह यही है और कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के भांति वह बालक अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता 32 पूर्णवासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। इसीलिए उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवी दास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं बताई। धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना, दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और भांजा मार्ग में रात में बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुवात हो गया। इसीलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से विमर्श करके निश्चय किया कि यह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ ही हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवी दास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके।
तब देवी दास का मामा कहने लगा, जो कुछ भी वधू पक्ष की कन्या दान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात में दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन करने लगा तो अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में यही सोच सोचकर अपने कर्म श्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब लड़की ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बात जेवर के पिता और उसके मामा के हुई थी लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगा कि यह ब्राह्मण विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की कदापि नहीं। देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली कन्या थी, वह बोली, जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। स्वामी आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवी दास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातः काल देवी दास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई 1 अंगूठी दे दी, 1 रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए 1 पुष्ट वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली 1 नव वालिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा मृत्यु होगा यह फूल सूख जाएगा और जब वह फिर से हरे हो जाएंगे तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना उसने कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवी दास वहाँ से चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगा और जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि वह वही पुरुष है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दी। वधू पक्ष और कन्या पक्ष कन्या दान के समय जो आभूषण आदि दिए गए थे वो दिखाइए तथा रात में क्या गुप्त बातें मैंने इनसे कही वह सब सुनाइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगे, मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह बनाकर चला गया और सारी बात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब वह उस समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस बिस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैले हो गया, परंतु वर्त के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का वर्त रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ आया और उसके शरीर से प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहाँ आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया था, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने
उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास स्वयं होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की परीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं है तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। लेकिन जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई, तो वह जान गई कि सब उसका पति ठीक ठाक है, वह जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो उठी। अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी, मेरा पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुराल उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वहाँ दोनों मामा और भांजा वहाँ पर आ गए। उनका आया हुआ देखकर उनके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई, उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए। निश्चय किया कि अभ्यास ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को कन्या ने जब देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तब उपरांत सब कहने लगे कि भला हुआ यह आ गया है, और सब नगरवासी ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवी दास ने अपनी पत्नी और मामा के अपने ससुराल के घर से बहुत सारे उपहार लेकर अपने माता पिता की घर की तरफ प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट पहुंच गए तो कई लोगों से उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवी दास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर यही बात उनसे बताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवी दास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया, और उसकी अपनी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भरी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री 32 पूर्णमासी के व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर के वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। पूर्णिमा व्रत के लाभ, किसी भी उपासक द्वारा पूर्णिमा व्रत करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा व्रत करने वाले उपासक को जल्द ही संतान प्राप्ति होती है और संतान की दीर्घायु प्राप्त होता है। पूरी श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत करने से गृह कलेश दूर होते हैं। पूर्णिमा के व्रत करने से स्त्रियां सौभाग्यवती का वर प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जो भी उपासक पूर्णिमा का व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु और चंद्रमा की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। यह व्रत करने से आर्थिक परेशानी भी दूर होती है। पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि, पूर्णिमा के दिन सुबह नहाकर स्वच्छ कपड़े पहने, जिसके बाद घर के मंदिर को अच्छे तरह से साफ कर गंगा जल छिड़काव करे। भगवान श्री विष्णु की मूर्ति पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य तौर पर करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाए, पुष्प चढ़ाए, रात को चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा को जल अर्पित करें। पूर्णिमा के व्रत किसकी पूजा करनी चाहिए? पूर्णिमा के व्रत में विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के व्रत कितने करने चाहिए? पूर्णिमा के 32 व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? पूर्णिमा के दिन प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए।
तो एक बार बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण व्रत करने का बहुत महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी शारीरिक दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने एवं व्रत दान पुण्य करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण व्रत करने का बहुत महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी शारीरिक दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने एवं व्रत दान पुण्य करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आप सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला से युक्त होते हैं। इसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के मन और शरीर पर पड़ता है। इस दिन चंद्र पूजन से व्यक्ति की मानसिक और आर्थिक स्थिति ठीक होती है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को द्रव्य और मन का कारक कहा गया है। पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर उगते हुए सूर्य को जल दे और इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने हाथ में अक्षत, जल, पूजा की सुपारी और जल लेकर व्रत का संकल्प ले। पूजा के लिए पूर्व की ओर मुख कर बैठे जाए और एक चौकी पर लाल और पीला वस्त्र बिछा ले कर लक्ष्मी नारायण को आसन दे। पीला कपड़ा दाहिना और बिछा कर विष्णु जी को स्थापित करे और लाल कपड़ा बाएं ओर बिछा कर देवी लक्ष्मी को विराजित करे। इसके बाद लाल, सफेद और पीले पुष्प अर्पित करते हुए विधि विधान से पूजन करें। संभव हो तो देवी लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मखाने की खीर, आटे की पंजरी या शुद्ध घी से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। आरती के बाद लक्ष्मी नारायण व्रत की कथा श्रवण या वाचन करें। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर विधिवत विष्णु जी का पूजन करने और चंद्रमा को अर्घ देने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह तिथि माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस दिन श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। धार्मिक मान्यता है कि व्रत के प्रभाव से मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने से धन संपत्ति, सुख वैभव और वृद्धि होती है। इस व्रत को गृहस्थ ही नहीं अविवाहितों को भी करना चाहिए। इससे उन्हें संयोग जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।